केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का गुरुवार रात निधन हो गया। उन्होंने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दरअसल रामविलास पासवान बीते कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनके दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। पासवान के निधन की सूचना के बाद सियासी गलियारे में शोक की लहर है। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचा, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बेटे चिराग पासवान के कंधे पर हाथ रखकर ढांढस बंधाया। इस दौरान रामविलास पासवान की पत्नी भी वहां पर मौजूद थीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनके आवास पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अन्य दिग्गज मंत्री पहुंचे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है और इस दौरान राष्ट्रपति भवन और संसद भवन का तिरंगा आधा झुका रहेगा। न्यूज डेस्क।